हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजम में। दोस्तों, बुद्धि के दो पार्ट में बना चुका हूँ, जिसमें पहले पार्ट में आपको डेफिनेशन, प्रकार और रूप बता चुका हूँ। दूसरे पार्ट में मैं आपको बता चुका हूँ बुद्धि के सिद्धांत कैसे कहते हैं। तीसरे पार्ट में मैं बताऊँगा बुद्धि के सूत्र कौन कौन से होते हैं और किस बालक का कितना IQ होता है और बुद्धि के परीक्षण कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो में अंत तक बने रहना। 203 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अब बुद्धि परीक्षण को ये पूछता कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। क्लियर है? अगर आपसे ये पूछा है कि बुद्धि के परीक्षण को कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया है। देखो, पहला कौन सा है? इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला होता व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, और दूसरा होता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। दूसरा कौन सा होता है? पहला होता है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, दूसरा होता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। अब इनके जनक की बात करेंगे हम, तो इसके जो जनक हैं वो विनय हैं, और इसका विकास प्रथम विश्वयुद्ध के समय हुआ। इसका विकास कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ। अगर वो आपसे पूछता है कि बुद्धि परीक्षण कितने भागों में बांटा गया, तो दो भागों में, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के जनक कौन है? विनय। सामूहिक बुद्धि परीक्षण के जनक कौन है? ये है। इसका विकास हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के समय। आप समझना, इस सामूहिक बुद्धि परीक्षण को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में कौन कौन से बांटा गया, समझना। पहला होगा आर्मी अल्फा परीक्षण, दूसरा होगा आर्मी बीटा परीक्षण। अब देखो, एक और बात यहां पर समझते हैं। आर्मी अल्फा परीक्षण को हम शाब्दिक परीक्षण भी बोलते हैं, और आर्मी बीटा को अशाब्दिक परीक्षण भी बोल सकते हैं। क्लियर है? अब शाब्दिक परीक्षण जो था वो पढ़े लिखे लोगों के लिए था, पढ़े लिखे लोगों के लिए था, और आर्मी जो अशाब्दिक परीक्षण था वो अनपढ़ लोगों के लिए था। वो किसके लिए था? अनपढ़ लोगों के लिए था। लेकिन आर्मी बीटा को एक और नाम से जानते हैं, क्रियात्मक परीक्षण के नाम से भी जाना जाता। अब समझना, मैं एक और चीज लिख रहा हूं नोट डाल के। आर्मी अल्फा परीक्षण पढ़े लिखे लोगों के लिए प्रयोग किया जाए। इस परीक्षण को भाषिक परीक्षण भी कहते हैं। भाषिक परीक्षण
भी कहते हैं। दूसरे पॉइंट की बात करेंगे हम, आर्मी बीटा परीक्षण अनपढ़ लोगों के लिए था जो क्रियात्मक परीक्षण भी है जिसमें व्यक्ति हस्त निर्मित क्रिया द्वारा सीखते थे। अब समझना इसको, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं पूर्ण रूप से। अगर वो आपसे कहता है कि बुद्धि परीक्षण कितने भागों में बांटा गया, तो आपको हमेशा बताना दो भागों में, पहला व्यक्तिगत परीक्षण बुद्धि परीक्षण, दूसरा सामूहिक बुद्धि परीक्षण। अब व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के जनक कौन है तो आपको बताना विनय। सामूहिक बुद्धि परीक्षण के जनक कौन है तो आपको बताना कि इसका जो विकास हुआ था वो प्रथम विश्वयुद्ध के समय हुआ था, यानी 1914 में जब हमारा प्रथम विश्वयुद्ध हुआ था तो उस टाइम लड़ाई लड़ने के लिए लोगों की बड़ी आवश्यकता पड़ रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में मतलब वो हो रहा था। तो उस टाइम यहाँ पर ये बहुत से लोगों को पकड़ रहे, लोग गाँव गाँव से पकड़ पकड़ के ले जा रहे थे लोगों को लड़ने के लिए। तो जो गाँव से लोगों को पकड़ पकड़ के ले जा रहे थे, वहाँ पर कुछ लोग तो अनपढ़ थे और कुछ लोग कैसे थे, हमारे पढ़े लिखे थे, यानी कुछ लोग थे अनपढ़ और कुछ लोग थे हमारे पढ़े लिखे। अब उनको भाई अगर हम किसी व्यक्ति से ये बात बोलें कि अनपढ़ इधर आओ या गंवार इधर आओ तो उन्हें थोड़ा बुरा लगेगा। तो उन्होंने दो टोली बनाई, कौन कौन सी, एक आर्मी अल्फा परीक्षण और एक कैसी बताई, आर्मी बीटा परीक्षण। आर्मी अपन वो आपसे ही पूछेगा कि आर्मी अल्फा परीक्षण का दूसरा नाम क्या है, शाब्दिक परीक्षण। आर्मी बीटा का दूसरा नाम क्या है, अशाब्दिक परीक्षण। वो ये भी पूछ सकता है कि आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा कैसे परीक्षण है, तो आपको बताना है सामूहिक परीक्षण। अगर वो पूछता है कि आर्मी अल्फा परीक्षण का पूरा नाम क्या है, तो आपको बताना है शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण, क्योंकि भाई ये दोनों सामूहिक बुद्धि परीक्षण के भाग में आ रही है आर्मी अल्फा। अगर वो पूछे कि कौन सा परीक्षण पढ़े लिखे लोगों के लिए प्रयोग किया जाता था, तो आर्मी अल्फा परीक्षण, जो पढ़े लिखे होते। लेकिन अब ये भी पूछ सकता है वो कि आर्मी अल्फा परीक्षण का दूसरा नाम क्या है, तो इसको हम कौन सा परीक्षण बोल सकते हैं, भाषिक परीक्षण बोल सकते हैं। लेकिन आर्मी बीटा का दूसरा नाम क्या बताया मैंने, क्रियात्मक परीक्षण। कौन सा परीक्षण पढ़े लिखे लोगों के लिए प्रयोग किया जाता था, आर्मी अल्फा। कौन सा परीक्षण अनपढ़ लोगों के लिए प्रयोग किया जाता था, आर्मी बीटा। कौन से परीक्षण में एक व्यक्ति या छात्र कुछ कार्य करके हस्तनिर्मित कार्य कर से सीखता था, तो बताना है आपको आर्मी बीटा परीक्षण। अगर वो दोनों को पूछता है आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा कैसे परीक्षण है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा परीक्षण का विकास कब हुआ है, तो प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ है। अगर पूछे व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के जनक कौन है, तो आपको बताना है विनय है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं बुद्धि के सूत्रों से। अब आता है बुद्धि के सूत्र। कौन सा आता है, बुद्धि के सूत्र। देखो पहला पढ़ेंगे हम बुद्धि लब्धि बराबर, बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। अब इसका दूसरा नाम भी हो सकता है आई क्यू बराबर एम ए बटे सी ए इंटू 100, दूसरा आता है।
शैक्षिक लब्धि बराबर होता है, शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु, इंटू 100। इसका देखेंगे तो ई क्यू बराबर ई ए बटे सी ए इंटू 100। तीसरे की बात करते हैं, उपलब्धि लब्धि। इसका होता है शैक्षिक आयु बटे मानसिक आयु इंटू 100। इसका देखेंगे एक ही बराबर ई ए बटे एम ए इंटू 100। यानी हमारे फॉर्मूले कितने हैं? तीन फॉर्मूले, बुद्धि लब्धि, शैक्षिक लब्धि और उपलब्धि लब्धि। अब बात यहां पर ये होती है कि इसका प्रयोग कौन से बालकों को पहचानने के लिए किया जाता है, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है और इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो आप देखें, समझना, देखो नोट डाल के, देखो बुद्धि लब्धि का प्रयोग विशिष्ट बालक कौमा प्रतिभाशाली बालक कौमा सृजनशील बालक कौमा मंद बुद्धि बालक की पहचान करने के लिए किया जाता है। पहचान करने के लिए किया था। अब एक और देखेंगे, दूसरा शैक्षिक लब्धि का प्रयोग पिछड़े बालकों की पहचान करने के लिए किया था। पहचान करने के लिए किया जाता है। समझे? अगर वो पूछता है कि बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या है, तो मानसिक आयु बटे वास्तविक इंटू 100 यानी एम ए बटे सी इंटू 100, ये वाली बस सही है। दूसरा शैक्षिक लब्धि बराबर है शैक्षिक आयु बटे वास्तविक इंटू 100 यानी ए के बराबर ई ए बटे सी, बुद्धि लब्धि बराबर शैक्षिक आयु बटे मानसिक इंटू 100 ए के बराबर ये पूरा होता है। अगर वो पूछता है कि शैक्षिक लब्धि यानी शैक्षिक लब्धि ई क्यू की गणना हम किसके द्वारा करते हैं, ई क्यू की प्रयोग क्यों करते हैं, तो हमें दोस्तों बताना है कि जो पिछड़े बालक हैं, पिछड़े बालकों की पहचान करने के लिए हमें किसकी गणना करनी पड़ती है, शैक्षिक लब्धि की। लेकिन आई क्यू का प्रयोग करने के लिए हमें विशिष्ट बालक, प्रतिभाशाली बालक, सृजनशील बालक और मंदबुद्धि बालक की पहचान करने के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ता है, बुद्धि लब्धि का प्रयोग करता है। इसके तीन फॉर्मूले हैं, तीनों को आप नोट कर लीजिए, उसमें से एक कंपल्सरी, कभी कभी तो डायरेक्ट भी आता है, आप इंपॉर्टेंट डाल लेना इसको, यूपी टेट में भी आता है, सी टेट में भी आता है, सुपर टेट, हर किसी में यहाँ से पूछा जाएगा आपको, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब चलते हैं हम महत्वपूर्ण बिंदु, बुद्धि के कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं।
देखो महत्वपूर्ण तथ्य समझें। महत्वपूर्ण तथ्य, अब इसमें हम पहला पढ़ेंगे बुद्धि का सबसे पहला परीक्षण बिने साइमन ने ५ में दिया। दूसरा पढ़ेंगे मानसिक आयु का प्रतिपादन अल्फ्रेड बिने ने किया। तीसरा पढ़ेंगे हम बुद्धि लब्धि आईक्यू के जनक विलियम स्टर्न है। कौन है? विलियम स्टर्न है। नेक्स्ट भारत में बुद्धि के जनक सी एच रायस हैं 1922। नेक्स्ट पढ़ेंगे संवेगात्मक बुद्धि के जनक डॉक्टर जॉन मेयर 1923। नेक्स्ट पढ़ेंगे आध्यात्मिक बुद्धि के जनक डेनियल गोलमैन है। नेक्स्ट पढ़ेंगे सर्वप्रथम मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु का आईक्यू में प्रयोग विलियम टर्मन तथा मैरिल ने किया। क्लियर है? नेक्स्ट मानसिक मापन परीक्षण शब्द का
सर्वप्रथम प्रयोग अठारह सौ नब्बे में कैटल ने किया। ये बुद्धि लब्धि से यानी बुद्धि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देखो समझें, अगर वो कहता है कि बुद्धि का सबसे पहला परीक्षण कब हुआ, तो 1905 में किसने दिया, विनेश सैमन ने। अगर पूछता है कि मानसिक आयु का प्रतिपादन किसने किया है, तो आपको बताना अल्फ्रेड विनर ने किया है। देखो मैं आपको फिर भी बता रहा हूं, अल्फ्रेड विनर और विनेश सैमन दोनों अलग अलग हैं। यानी विनेश सैमन ने बस सिर्फ सबसे पहला बुद्धि परीक्षण दिया है 1905 में, बाकी जितना भी कारोबार किया है वो किसने किया, अल्फ्रेड विनर ने किया है। अगर वो कहता है कि बुद्धि लब्धि आईक्यू के जनक कौन है, तो आपको बताना है विलियम स्टर्न बताना है। अगर वो पूछता है कि भारत में बुद्धि के जनक कौन है, तो आपको बताना सी एच राइस, कौन सी ईयर है, 1922। अगर वो पूछता है कि संवेगात्मक बुद्धि के जनक कौन है, तो डॉक्टर जॉन मेयर और पीटर सेलोबे है। अगर वो आपसे पूछता है कि आध्यात्मिक बुद्धि के जनक कौन है, तो आपको बताना डेनियल गोलमैन है। अगर वो पूछता है कि मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु का सर्वप्रथम आईक्यू में प्रयोग किसने किया है, तो विलियम टर्मन तथा मेरिल ने किया है। अगर वो आपसे ये पूछता है कि मानसिक मापन परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, तो आपको बताना 1890 में कैटल ने। अब एक चीज और आती है, समझे, संवेगात्मक बुद्धि की सैद्धांतिक व्याख्या गोलमैन ने की है। यानी संवेगात्मक बुद्धि की अगर वो पूछता है सैद्धांतिक व्याख्या किसने की है, तो आपको बताना है गोलमैन ने की है। आप इनको नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। बुद्धि के सूत्र कुछ और भी हैं, जैसे कि विनेश सैमन 1905 है, उसमें संशोधन कब हुआ, ये कितने वर्ष तक के बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है, ये पढ़ते हैं। एक और चीज़ और लिख दे रहा हूं मैं, प्रौढ़ बुद्धि के जनक बैसलर माने जाते हैं। प्रौढ़ बुद्धि के जनक कौन है, बैसलर है। आप इनको नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। देखें अब आता है नेक्स्ट, विनेश सैमन परीक्षण 1905 है, क्लियर है। दूसरा आता है विनेश संशोधित परीक्षण 1908 और 1911। तीसरा आता है स्टैनफोर्ड विनय संशोधित परीक्षण 1916। तीनों अलग अलग हैं। फिर आता है विनेश सैमन परीक्षण 3 से 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए था। फिर आता है पोर्टियस मेज परीक्षण 3 से
14 वर्ष तक के बच्चों के लिए फिर आता है बैचलर वैल्यू परीक्षा 10 से 60 वर्ष तक के व्यक्ति के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट लगा, समझना। मैंने लिखा है विनय सामने परीक्षण कब आया था, 1905 में। ये बात सही है। अगर वो पूछता है विनय सामने परीक्षण 1905 में संशोधन कब हुआ था, 1908 1911, अगर ये दोनों डेट आती है एक साथ में तो 1908 पर अटेंशन लगा सकते, क्लियर मिलेगा। अगर वो पूछता है स्टैनफोर्ड विनय संशोधन परीक्षण कब आया, तो दोस्तों आपको लगाना है 1916। अगर खाली संशोधित आए तो 1908 1911, अगर कुछ ना खाली विनय सामने पूछे तो 1905, अगर पूछे स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में विनय संशोधन परीक्षण कब हुआ था तो आपको लगाना 1916 में। अब ये पूछेगा कि विनय सामने परीक्षण कितने वर्ष तक के बालकों के लिए प्रयोग किया जाता था, तो आपको बताना 3 से 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए। अब आपसे वो ये पूछेगा पोर्टिस मेज परीक्षण कितने वर्ष तक के बालकों के लिए प्रयोग किया जाता था, तो आपको बताना 3 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए। फिर वो आपसे ये पूछेगा कि बैचलर वैल्यू परीक्षण कितने वर्ष तक के बालकों के लिए प्रयोग किया था, तो 10 से 60 वर्ष तक के व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया था। आप इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं आईक्यू, यानी कौन से बालक का कौन सा आईक्यू होता है, क्लियर है। यानी कौन से बालक का कौन सा आईक्यू होगा, ये जानने के लिए हमें अभी देखना पड़ेगा, ठीक है। अब हमको दो कॉलम बना लेने हैं, हमें दो कॉलम बना लेने, समझना। अब इधर हम लिखेंगे वर्गीकरण, और इधर लिखेंगे हम आईक्यू, यानी कौन से बालक का कौन सा आईक्यू होता है, क्लियर है। क्लियर है। अब देखो, सबसे पहले लिखेंगे हम प्रतिभाशाली बालक, अब प्रतिभाशाली बालक का जो आईक्यू होता है वो कितना होता है, 140 से अधिक माना है टर्मन ने, किसने माना है 140 से अधिक, किसने माना है टर्मन ने, अगर वो कहता है 132 से अधिक किसने माना है, तो आपको लगाना है डैनियल ने, अगर वो कहता है 130 से अधिक ज्यादातर अन्य मनोवैज्ञानिकों ने, क्लियर है। दूसरे नंबर पर आता है तीव्र और प्रखर, तीव्र प्रखर और उत्कृष्ट, इसका जो माना गया है वो 121 से 130 माना गया है। फिर तीसरे नंबर पर आता है सामान्य बालक, सामान्य बुद्धि, इसका कितना माना गया है 90 से 110 और 91 से 109 माना गया, क्लियर है। फिर उसके बाद आता है पिछड़ी बुद्धि, इसका माना गया है 80 से 90, 85 से कम, क्लियर है। फिर उसके बाद माना गया है मंदबुद्धि, मंदबुद्धि होता है 70 से कम। अब इसको तीन भागों में बांटा गया, एक होता है अल्प, एक होता है मध्य और एक होता है तीव्र।
अल्प का माना गया 52 से 67, इसका माना गया 36 से 51 और इसका माना गया 20 से 35। क्लियर है? अब उसके बाद नेक्स्ट आता है मूर्ख बुद्धि। जड़ बुद्धि और हीन बुद्धि। क्लियर है? अब इनका जो माना गया है मूर्ख बुद्धि का माना गया है 50 से कम। इसका माना गया 25 से 50 और इसका माना गया 0 से 25। ये है पूरा समझना। इसमें कंपलसरी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर वो आपसे ये पूछता है कि प्रतिभाशाली बालक का आईक्यू कितना है तो आपको बताना 140 से अधिक, किसने माना? टर्मन ने माना। अगर वो पूछता है 132 से अधिक किसने माना है तो आपको बताना डैनियल ने माना है। अगर वो पूछता है 130 से अधिक ज्यादातर मनोवैज्ञानिकों ने माना है। तीव्र प्रखर या उत्कृष्ट जो बालक होते हैं उनका आईक्यू कितना माना गया? 121 से 130। सामान्य बालक का आईक्यू दो माना गया है, 90 से 110 या 91 से 109। क्लियर है? पिछड़ी बुद्धि का जो बालक होते हैं, पिछड़े जो बालक होते हैं उनके जो जनक होते हैं उनका दो माना गया है, या तो 80 से 90 मान लीजिएगा या 85 से कम मान लीजिएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो ये होता है, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों वो ये होता है मंद बुद्धि बालक, जो पिछले यूपी टेट में पूछा गया। अगर वो ऑल ओवर पूछ रहा है कि मंद बुद्धि बालक का आईक्यू कितना है तो आपको बता देना 70 से कम है। अन्यथा वो ये पूछेगा अल्प मंद बुद्धि बालक का आईक्यू कितना है, 52 से 67। अल्प मध्य मंद बुद्धि बालक का आईक्यू कितना है, 36 से 51। तीव्र मंद बुद्धि बालक का आईक्यू कितना है, 20 से 35। मूर्ख बुद्धि, जड़ बुद्धि और हीन बुद्धि। मूर्ख बुद्धि का 50 से कम, जड़ बुद्धि का 25 से 50 और हीन बुद्धि का है 0 से 25। ये है दोस्तों बुद्धि। मुझे ऐसा लगा आपको बुद्धि पूरी तरह समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसको आप पूरा नोट कर लीजिए। बुद्धि जो चैप्टर है उसके मैंने 3 पार्ट बनाए। पहले पार्ट मैंने आपको प्रकार लिखा दिए थे, डेफिनेशन लिखवा दी और लिखा दिए थे। दूसरे पार्ट में मैंने आपको सिद्धांत पूरे पढ़ा दिए और तीसरे पार्ट में मैंने आपको इसके सूत्र ये और इसके परीक्षण पढ़ा दिए। धन्यवाद दोस्तों।